कुछ बातें कुछ गीत। सभी सुनने वालों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं आज सदी के महानायक अमिताभ जी का जन्मदिवस है और हम भी मनाएंगे उनके जन्मदिन को। उन्हें ढेर सी शुभकामनाएं आपकी ओर से दी गई है हमारे फेसबुक पेज पर। हमारी एक श्रोता लिखती हैं, साहित्यकार पिता और समर्पित मां के बेटे अमिताभ जी का जीवन संघर्षों से भरा रहा, कभी कुली की शूटिंग के दौरान तो कभी अन्य कारणों से, लेकिन सभी का सामना उन्होंने हिम्मत और दिलेरी के साथ किया। साथ हिंदुस्तानी से लेकर केबीसी तक का सफर चुनौती भरा रहा, लेकिन आत्मविश्वास, अनुशासन और कड़ी मेहनत से उसे उन्होंने पार किया। सदी के महानायक जी को जन्मदिन की बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक अन्य श्रोता लिखती है, भारत के गौरव अमिताभ बच्चन बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। अभिनय के अतिरिक्त उन्होंने कई फिल्मों में पार्श्व गायन भी किया है तथा निर्माता के रूप में कुछ फिल्मों का निर्माण भी किया है। उनकी अपार सफलता के कारण ही उन्हें बिग बी और सदी का महानायक कहा जाता है। जिस तरह विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने हार न मानते हुए दुनिया में अपना एक मुकाम हासिल किया, वो किसी भी व्यक्ति के लिए प्रेरणा का एक अक्षय स्रोत है। अमिताभ जी ने सदैव इस बात पर जोर दिया कि जिंदगी, समय और मौका बार बार नहीं मिलता, अतः हमें कठिनाइयों में भी कामयाबी पाने का हौसला खोना नहीं चाहिए। उन्हें जन्मदिन की हार्दिक बधाई। जैसा कि प्रोमो में हमने कहा था कि बरसात लगा देंगे शुभकामनाओं की, जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है। आपके कमेंट्स से शुभकामनाएं बरस रही है आज बिग बी के लिए। चलिए, लेकिन कार्यक्रम को शुरू करना है, गीतों का सिलसिला शुरू करते हैं। 1971 की फिल्म का गाना आपको सुनवा रहे हैं। अमिताभ साहब की शुरुआती दौर की ये फिल्में थी, उनमें से जिस फिल्म का गाना आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म का नाम तो आपको बताना ही है और साथ में आपको ये बताना है कि इस फिल्म के इस गीत में वो एक पारंपरिक वेशभूषा में दिखाई देते हैं। तो ये क्या है वेशभूषा, क्या पहन करके ये गीत गाया है अमिताभ जी ने? आवाज मोहम्मद रफी की, गीतकार आनंद बख्शी, संगीत आर डी बर्मन का। फिल्म का नाम भी बताइए और उनकी वेशभूषा क्या है जो पारंपरिक है, ये भी बताइए। कोई और दुनिया में तुम साहसी है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं। कोई और दुनिया में तुम साहसी है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं। अदा ये नजर ये जहां में कहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं। यकीन कैसे तेरा दीवाना करे, भला इस जमाने का कोई यकीन है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं।
आसरा मेहरबानी तेरी। जुदा है सभी से कहानी तेरी, जरा पास आ मेहरबानी तेरी। तुझे देखता है घटाओं से चांद, के है चांदनी भी दीवानी तेरी। किसी और का नाम क्या महजबी है, नहीं है नहीं है नहीं है नहीं। भाई अमित जी के चाहने वाले हो या फिल्म के समीक्षक हो, सभी तो यही कहते हैं कोई और दुनिया में तुमसा नहीं है। और इस गीत के बारे में हमने जो सवाल आपसे पूछा, सवाल का जवाब बिल्कुल सही आया है। 1971 की ये फिल्म थी, प्यार की कहानी। और इस गीत में अमित जी पर्दे पर दिखाई देते हैं धोती कुर्ता पहने हुए। आपके सही जवाबों के बाद अगला कमेंट हमारे एक श्रोता का जो आया है, और लिखते हैं, जब से पुलिस वालों ने भी फिल्म जंजीर देखी, वे भी उसके यंग एंग्री मैन के किरदार से अपने आप को बचा नहीं पाए। फिर तो चाल ढाल, टाइट वर्दी, आंखों पर काला चश्मा, कमर में खुला सरकारी रिवॉल्वर और बेल्ट में हथकड़ी लगाकर ड्यूटी करते देखे जाने लगे। फिर तो उनकी बोलचाल और चेहरे पर गुस्से का भाव भी स्पष्ट दिखाई देने लगा था। सेवानिवृत्ति के बाद भी इनमें विकट परिस्थितियों में भी देखने को मिलता है। ऐसे महानायक अमिताभ बच्चन जी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। और हमारी श्रोता विस्तार से उनके बारे में लिखती हैं कि प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार हरिवंश राय बच्चन के सुपुत्र अमिताभ बच्चन जी 1970 के दशक के दौरान उन्होंने बड़ी लोकप्रियता हासिल की और तब से भारतीय सिनेमा के इतिहास में प्रमुख व्यक्तित्व बन गए। अमिताभ ने अपने करियर में अनेक पुरस्कार जीते हैं, जिनमें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 12 फिल्म फेयर पुरस्कार सम्मिलित हैं। उनके नाम सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्म फेयर अवार्ड का रिकॉर्ड है। अभिनय के अलावा अमिताभ जी ने पार्श्व गायन, फिल्म निर्माता, टीवी प्रस्तोता और भारतीय संसद के एक निर्वाचित सदस्य के रूप में 1984 से 1987 तक भूमिका निभाई है। भारतीय टीवी का लोकप्रिय शो कौन बनेगा करोड़पति में कई वर्षों से मेजबान की भूमिका भी निभाते आए हैं। इस शो में उनके द्वारा किया गया देवियों और सज्जनों संबोधन बहुचर्चित रहा। और भी बहुत सी बातें अमित जी के बारे में आपकी ओर से आपके कमेंट्स में आई हैं, मगर अब अगले गीत की ओर बढ़ते हैं। 1972 की बहुत ही लोकप्रिय फिल्म जिसके गाने बेहद लोकप्रिय हुए थे, बॉम्बे टू गोवा। जी हाँ, इस फिल्म का गाना आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर का गाया हुआ, राजेंद्र कृष्ण के बोल, RD बर्मन का संगीत। आपको क्या करना है, आपको बताना है इस फिल्म में अमिताभ बच्चन जी की नायिका कौन थी। आप सुन रहे हैं बॉम्बे टू गोवा फिल्म का गाना, जिसमें आपको बताना है कि अमित जी की नायिका कौन थी। जग छोड़ा है तेरे प्यार में सनम, जग छोड़ा है तेरे प्यार में सनम। तेरी आंखों की कसम, तेरे बालों की कसम, तेरे गालों की कसम ओ सनम, जग छोड़ा है तेरे प्यार में सनम। Thank you.
सनम। क्या करते हो? क्या कर रहा हूँ? भैया छोड़ो ना। क्यों छोड़ूं? प्लीज समझो ना। क्या समझूं? वो लोग देख रहे हैं। अरे तो देखने दो और जलेंगे। अच्छा तो ये बात है तो मैं और पास आऊं? आओ ना। नो तेरे बालों की कसम, तेरे गालों की कसम ओ सनम। दिल तेरा है मैं भी तेरी हूँ सनम। ओ दिल तेरा है मैं भी तेरी हूँ सनम। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब आपने लिखा है। बॉम्बे टू गोवा फिल्म में अमित जी की नायिका थी अरुणा ईरानी। हमारी श्रोता लिख रही हैं, अमिताभ बच्चन हमारे समय के ऐसे महानायक जो अपने जीवन काल में ही एक किंवदंती बन चुके हैं। ये निर्विवाद है कि अमिताभ जैसा परिश्रमी और किरदार के मुताबिक ढल जाने वाले वे एक ऐसे अभिनेता के रूप में जाने जाते हैं जो समय के बहुत पाबंद है। वे जिस निष्ठा के साथ अपने काम के प्रति समर्पित हैं वो किसी करिश्मे से कम नहीं। एक कलाकार की गहरी आस्था उनके हर कार्य में दिखती है और ये किसी उपलब्धि के लिए नहीं है, क्योंकि वे देश दुनिया का हर सम्मान, हर इनाम, हर पड़ाव हासिल कर चुके हैं। फिल्म सौदागर का, हर हंसी चीज़ का मैं तलबगार हूँ और मजबूर फिल्म का, आदमी जो कहता है मेरे पसंदीदा गीतों में से हैं। और हमारे एक श्रोता का कहना है, प्रतिभा, दमदार आवाज, प्रभावशाली व्यक्तित्व और ज्ञान आदि के अतिरिक्त अमिताभ बच्चन जी की जो बात उनको अद्वितीय बनाती है वो है दूसरों का सम्मान करना। अगर वो किसी कम उम्र के व्यक्ति से भी बात करते हैं तो उनको पूरा सम्मान देते हुए आप, महोदय, जी शब्दों का प्रयोग करते हैं। इससे उनका खुद का कद और ऊंचा हो जाता है। उनका चतुर अभिनय कौशल ही एकमात्र ऐसी चीज़ नहीं है जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। उनका व्यक्तित्व, दृष्टिकोण और विनम्रता ही उन्हें एक महान अभिनेता और एक महान इंसान बनाती है। समर्पण, कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प, सभी शब्द इस आदमी के सामने बहुत छोटे हो जाते हैं। बॉलीवुड में उनकी मौजूदगी बॉलीवुड के नाम की शोभा बढ़ाती है। उनसे सीखने के लिए बहुत कुछ है जिसका ज्ञान हमारी सोच से कहीं परे है। बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं अपने पसंदीदा कलाकार के बारे में हमारे श्रोता लिख रहे हैं, और साथ ही बहुत ढेर से श्रोताओं ने शुभकामनाएं भी भेजी हैं अपने कमेंट्स के माध्यम से। अगले गीत की बारी है और 1973 की फिल्म सौदागर का गाना आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज़। आपको बताना है गीतकार और संगीतकार के नाम। मैं तलबगार हूँ, हर हसी चीज का मैं
की नजरों का एक मैं ही दीदार हूँ, रस का फूलों का गीतों का बीमार हूँ, हर हसी चीज का मैं तलबगार हूँ। मगर किसी ने न जाना, कोई कहे भौरा मुझे कोई दीवाना, भेद मेरे मन का मगर किसी ने न जाना। रोना मैंने कभी सीखा नहीं, रोना मैंने कभी सीखा नहीं, चखा जीवन में फल का नहीं, मैं तो हर बोल देने को तैयार हूँ, रस का फूलों फूलों का गीतों गीतों का बीमार हूँ, हर हसी चीज का मैं तलबगार हूँ, रस का फूलों का गीतों का बीमार हूँ, रस का फूलों का गीतों का बीमार हूँ। बिल्कुल सही लिखा है श्रोताओ आपने, गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन। चलिए तुरंत एक और गीत आपको सुनवा रहे हैं, और बहुत ही मशहूर फिल्म है डॉन। जी हाँ, आपको बताना है किशोर कुमार की आवाज में ये जो गाना है ये किसने लिखा है। फिर एक बार गीतकार का नाम बताना है, और संगीतकार का नाम तो आप सब जानते हैं, कल्याण जी आनंद जी। अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। अरे ऐसा झटका लगे जिया पे पुनर्जन्म हो जाए। ओ खई के पान बनारस वाला, ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ खई के पान बनो रस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। गीतकार के नाम के साथ साथ आपको ये भी बताना है फिल्म डॉन के निर्देशक कौन थे। अरे राम दुहाई कैसे चक्कर में पड़ गया, हाय 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 कहाँ जान फंसाई, मैं तो सूली पे चढ़ गया, हाय हाय कैसा सीधा साधा मैं कैसा भोला भाला। अरे कैसा सीधा साधा मैं कैसा भोला भाला, जाने कौन घड़ी में पड़ गया, पढ़े लिखों से पाला, मीठी छुरी से हुआ हलाल। छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ खई के पान बनाओ रस वाला, खुली जाए बंद अकल का ताला। कन्या कुमारी हमरी सूरत मर गई, हाय हाय हाय
कटारी, हमरे दिल में उतर गई हाय हाय, कैसी गोरी गोरी वो तीखी तीखी छोरी वावा, कैसी गोरी गोरी वो तीखी तीखी छोरी, करके जोरा जोरी कर गई हमरे दिल की चोरी, मिली छोरी तो हुआ निहाल, छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ खई के पान बनाओ रस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, ओ खई के पान बनाओ रस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, फिर तो वैसा करे धमाल सीधी कर दे सबकी चाल, ओ छोरा सही है आप सभी के जवाब। जी हाँ, अनजान का लिखा गीत हम सुन रहे थे डॉन फिल्म से, जिसका निर्देशन किया चंद्रा बारोट ने। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी को शुभकामनाएं देते हुए हमारे श्रोता अपनी अपनी बात लिख रहे हैं हमारे फेसबुक पेज पर, और साथ ही गीत भी हम सुनते जा रहे हैं। अगला एक लोकप्रिय गाना आपके लिए आ रहा है, किशोर कुमार की ही आवाज है, अनजान के बोल कल्याण जी आनंद जी का संगीत। ये किस फिल्म का गाना है और इसमें अमित जी के साथी कलाकार कौन कौन है जरा बताइए। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जिसने जुल्म से जीता जहां, वो सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता जहां, प्यार से जीते दिलों को वो झुका दे आसमां, जो सितारों पर सिखलाएगा वो मुकद्दर का
फंसा हुआ जो जाएगा। क्या बात है, आप सभी ने बिल्कुल सही लिखा है, मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का एक गाना हम सुन रहे थे और इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ अन्य साथी कलाकार थे विनोद खन्ना, राखी और रेखा। कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से, कार्यक्रम का शेष भाग अंतराल के बाद। राष्ट्रीय सेवा पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत और आज इस कार्यक्रम में बातें हो रही है महानायक अमिताभ बच्चन की। हमारे श्रोता ने कुछ इस तरह से अपने विचार व्यक्त किए हैं, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन दिलीप कुमार को देखकर अभिनय करते हुए आज इस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां तक कोई नहीं गया।
हर एक क्षेत्र में उनकी अदाकारी देखने को मिलती है, चाहे केबीसी हो, फिल्में हो या कोई एडवर्टाइज समर्पण हो तो ऐसा हो। माँ तेजी बच्चन और श्री हरिवंश राय बच्चन के पुत्र होने का मान बढ़ाने वाले अमिताभ जी की ताप बरकरार रहे। आज जन्मदिवस पर दुआ है कि वे अपने आने वाले सालों में और उन्नति करते रहें और स्वस्थ रहें। हमारी अनेकों शुभकामनाएं। और श्रोताओं, जो अगला गाना आपके लिए आ रहा है 1976 की ये फिल्म का गाना है जिसमें नर्म दिल कवि का रोल उन्होंने निभाया था। जी हाँ, कभी कभी, बिल्कुल सही नाम आपको आपके जहन में उभरा है। तो ये गीत मुकेश साहब की आवाज़ में आप सुनने वाले हैं। आपको बताना है किस कवि की कलम से ये गाना फिल्म के लिए उतरा है, यानी गीतकार का नाम आपको बताना है, साथ में संगीतकार का नाम हम आपको बता देते हैं खय्याम, और इस फिल्म के निर्माता निर्देशक कौन थे ये भी आपको बताना है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, उससे पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे जमीन पे बुलाया गया है मेरे लिए, तुझे जमीन पे बुलाया गया है मेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये बदन ये निगाहें मेरी अमानत है, कि ये बदन ये निगाहें मेरी अमानत है, ये गेसुओं की घनी छां और ये बाहें मेरी अमानत है, ये होंठ और ये बाहें मेरी अमानत है। कभी कभी शहनाइयां सी राहों में, के जैसे बजती हैं शहनाइयां सी राहों में, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूं मैं, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूं मैं, सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में, सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में। बिल्कुल सही श्रोताओं ने जवाब दिए हैं। ये साहिर लुधियानवी के शब्द हम सुन रहे थे मुकेश की आवाज़ में, और फिल्म कभी कभी के निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा, दोनों जवाब सही हैं।
और हमारे श्रोता का कहना है कि सदी के महानायक के जन्मदिन की सभी को शुभकामनाएं। आज महानायक 81 साल के हो गए, मगर आज भी वैसी ही ऊर्जा से सक्रिय, शब्द भी कम ही पड़ेंगे लिखने की कोशिश में। मुझे तो लगता है आने वाले समय में भारत देश के बहुत से पर्याय शब्दों में से एक अमिताभ बच्चन भी होगा। और अगले एक श्रोता का कमेंट है कि बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। साहित्य से लेकर फिल्म इंडस्ट्री तक उन्होंने अपना परचम बुलंद किया है, लेकिन इलाहाबाद से मुंबई तक का ये सफर अमिताभ के लिए इतना आसान नहीं था। इस बीच उन्होंने कई ठोकरें खाई, कई बार गिरकर संभले, लेकिन हार नहीं मानी और आज उनके इस जज्बे ने उन्हें सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है। बॉलीवुड के इस महानायक को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अपने अपने पसंदीदा गीतों को भी याद कर रहे हैं हमारे श्रोता। हमारे किसी श्रोता ने दोस्ताना के गीत की फरमाइश की है, तो चलिए बहुत से श्रोताओं के साथ साथ आपको भी सुनवाते हैं ये गाना। मगर आपको क्या है बताना। जी हाँ, दोस्ताना फिल्म में अमिताभ जी किसके साथ दोस्ती निभा रहे हैं। जी हाँ, उनके साथी कलाकार कौन थे दूसरे हीरो फिल्म दोस्ताना के। मारा बने चाहे दुश्मन जमाना, मारा सलामत रहे दोस्ताना। मारा बने चाहे दुश्मन जमाना, मारा सलामत रहे रहे दोस्ताना हमारा।
गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। आप सुन रहे थे दोस्ताना फिल्म का गाना मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार की आवाज़ों में। और हमने आपसे पूछा था इस फिल्म में उनके साथी कलाकार कौन है, दूसरे हीरो कौन है इस फिल्म के। जी हाँ, जवाब सही है शत्रुघ्न सिन्हा। हमारे श्रोता का कहना है कि अमिताभ जी ने अभिनेता के बहुआयामी स्वरूप को उद्घाटित किया है। फिल्मी पटकथा लेखकों ने उन्हें केंद्र में रखते हुए अनेक फिल्में लिखीं और वे हिट भी हुईं। पहली पारी तो उनकी सफल ही थी, दूसरी पारी में भी उन्होंने जो कमाल किया वो हर किसी अभिनेता को हासिल नहीं हो सकता। उन्होंने अपनी छवि को हर बंधन से मुक्त रखा। आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये गाना। ১৯৮২ की ये फिल्म है बेमिसाल। आनंद बख्शी का लिखा गीत है, किशोर कुमार, सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर की आवाजों में, संगीत आर डी बर्मन का। आपको बताना है फिल्म बेमिसाल के निर्देशक का नाम, और ये भी बताइए अमिताभ जी के साथ कौन कौन कलाकार थे इस फिल्म में। कश्मीर है, कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है। हर मौसम बेमिसाल बेनजीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है।
कश्मीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। सही लिखा है श्रोताओं आपने। ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित ये फिल्म थी बेमिसाल, जो 1982 में रिलीज हुई थी। और अमिताभ बच्चन के साथ इस फिल्म में साथी कलाकार थे विनोद मेहरा, राखी, ओम शिवपुरी, देवेन वर्मा और ए के हंगर। हमारे श्रोता लिखते हैं, आज अमिताभ बच्चन जी के जन्मदिन पर अनेक अनेक शुभकामनाएं दे रहे हैं। एंग्री यंग मैन के रूप में अपनी पहचान से लेकर पा के बच्चे वाला रोल, पीकू तथा 102 नॉट आउट में विविधता भरे रोल उन्होंने निभाए हैं। कौन बनेगा करोड़पति को तो कैसे भूल सकते हैं। जन जन तक केबीसी लोकप्रिय है। श्रोता ने रोल्स की बात की है तो बहुत से हमारे इंडस्ट्री में ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने डबल रोल किए हैं, मगर अमिताभ बच्चन की खासियत है जिसके बारे में आपको अगले फिल्म के इस गीत में पता चलेगा। ये अमिताभ बच्चन का खुद का गाया हुआ गीत है। आपको फिल्म का नाम बताना है जिसमें उन्होंने, जी हाँ, क्या खास बात है उनके रोल की ये भी बताइए। नजर आती है जिधर दे जन्म जन्म
सही लिखा है श्रोताओ आपने। फिल्म महान में अमिताभ बच्चन ने ट्रिपल रोल निभाया था, तीन भूमिकाएं की थी। और कार्यक्रम के अंतिम गीत की ओर हम अब बढ़ रहे हैं। बहुत से श्रोताओं के कमेंट्स से, बहुत से श्रोताओं ने अलग अलग गीतों को याद किया है। उनमें से कई श्रोताओं द्वारा याद किया गया ये गाना है फिल्म शराबी का। किशोर कुमार की ये आवाज़ है। आपको बताना है गीतकार और संगीतकार के नाम, साथ ही बताइए फिल्म शराबी के निर्देशक कौन थे। टूटते हैं दिलों के कारवां, कश्तियां साहिल पे अक्सर सभी श्रोताओं ने दिया है। प्रकाश मेहरा द्वारा निर्देशित यह फिल्म थी शराबी, और इस गीत को लिखा अनजान ने संगीतकार बप्पी लहरी। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज के कार्यक्रम के लिए अमिताभ बच्चन की कई फिल्मों को हमने चुन रखा था, खुद्दार, शक्ति, कुली, सुहाग, शराबी का गाना तो आपने सुना ही, गिरफ्तार का भी गाना हमने चुना था, और भी बहुत से गीत हमने चुने थे आज के कार्यक्रम के लिए, मगर समय अभाव में अब यहीं रुकना पड़ेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में अपने कमेंट्स के द्वारा शामिल होने के लिए।